दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से एक बहुत ही दुख भरी खबर सुनने को मिली है। जी हां, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया है। बता दें, इन्होंने 68 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिथिलेश चौधरी का निधन 3 अगस्त की शाम को अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ है, जहां इन्होंने अपनी अंतिम सांस कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके निधन की पुष्टि उनके दामाद आशीष चतुर्वेदी ने इंस्टाग्राम पर इनकी एक तस्वीर पोस्ट करके दी है, जहां आशीष चतुर्वेदी ने बताया, कुछ दिन पहले भी मिथिलेश चौधरी को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद से कोकिलाबेन अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और इसी बीच उनका निधन हो गया, जहां इनके दामाद ने इंस्टा पर इनकी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इनकी जानकारी फैंस को दी और उसके कैप्शन में लिखा, आप दुनिया के बहुत अच्छे पिता थे, आपने मुझे दामाद नहीं बल्कि बेटे की तरह प्रेम दिया, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और इस खबर को सुनने के बाद पूरी इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है। हर कोई दुआएं कर रहा है कि मिथिलेश चौधरी की आत्मा को भगवान शांति दे। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब इन्हें हार्ट अटैक आया था, बल्कि इससे पहले ही इनकी मौत ने दस्तक दे दी थी। कुछ टाइम से मिथिलेश चौधरी हार्ट अटैक की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके बाद वो अपने होम टाउन लखनऊ शिफ्ट हो गए थे ताकि वो अपना अच्छे से ख्याल रख सके। पर कुछ वक्त पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत नजदीक आ गई। बता दें, मिथिलेश चौधरी 90 के दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, जिन्हें नीली छतरी वाले सीरियल के लिए जाना जाता है, और ये बॉलीवुड के भी जाने माने चेहरे रहे हैं, जिन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे कई दमदार अभिनेताओं के साथ काम किया है। साथ ही इन्होंने गदर एक प्रेम कथा, बंटी और बबली और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में काम किया है। पर अफसोस, आज हम इस टैलेंटेड अभिनेता को खो चुके हैं। हालांकि मिथिलेश चौधरी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी यादों को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप मिथिलेश चौधरी के निधन के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।